News 18, India. बड़ी खबर, किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। चंडीगढ़ में किसानों और केंद्र सरकार के बीच हुई बैठक बेनतीजा रही। 5 घंटे तक हुई इस बैठक में, कई मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई है। इसके बाद किसानों ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान कर दिया है। किसान आज सुबह 10 बजे दिल्ली के लिए कूच करने वाले हैं। किसानों का आरोप है कि सरकार उनके मुद्दे को लेकर गंभीर नहीं है। ऐसे में किसानों ने अपनी मांगे मनवाने के लिए अब दिल्ली जाने का फैसला कर लिया है, यानी दिल्ली कूच करने का फैसला कर लिया है। 10 बजे किसान जो है वो दिल्ली पहुंचना शुरू हो जाएंगे। चंडीगढ़ में जो बैठक हुई, 5 घंटे लंबी ये बैठक चली, दो केंद्रीय मंत्री उसमें शामिल थे, लेकिन किसानों का कहना है कि ये बैठक जो है बेनतीजा रही है, कई मुद्दों पर सहमति नहीं बनी है, और आज सुबह 10 बजे दिल्ली के लिए कूच करने वाले हैं किसान। हम लोगों ने लंबी बातचीत की है सरकार के साथ, हर मुद्दे के ऊपर डिस्कशन हुई है। हमने सरकार का जो भाव देख लिया है, हमें नहीं लगता सरकार किसी मांग पर सीरियस है, हमें नहीं लगता किसी मांग को उचित ढंग से वो पूरा करना चाहते हैं, और इसलिए तो हमने लंबा सब बातें उनसे की, हर बात पे लंबी डिस्कस की। हमारा कोशिश थी कि हम किसी किस्म का टकराव नहीं चाहते, हम चाहते थे मिल बैठकर मसले का हल हो जाए। सरकार के मन में जो मुझे लगता है एक ऐसी बात है कि उसके मन में खोट है। हमारी मांगों को लेकर सरकार सीरियस नहीं है, किसानों का कहना है। किसान सरकार पर मांगे न मानने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का कहना है कि किसानों के साथ कई मुद्दों पर गंभीरता से बात हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि जिन मुद्दों पर बात नहीं बन पाई है, उन पर बातचीत के जरिए समाधान निकाला जाएगा। किसान संगठनों के साथ बातचीत बहुत गंभीरतापूर्वक हुई और सरकार हमेशा चाहती है कि बातचीत के माध्यम से हर किसी समस्या का समाधान हम निकाल सकते हैं। अस्थाई समाधान के लिए एक कमेटी बनाने की आवश्यकता है और उसमें हम अपनी सारी बातों को रखें और उसका अस्थाई समाधान ढूंढें। तो मंत्री अर्जुन मुंडा को आपने सुना, उनका साफ कहना है कि बातचीत के जरिए ही सॉल्यूशन समाधान निकाला जा सकता है। अपनी मांगे मनवाने के लिए किसान एक बार फिर से दिल्ली कूच करने के लिए तैयार हैं। सरकार ने उन्हें मनाने की खूब कोशिश की, लेकिन चंडीगढ़ में हुई 5 घंटे की ये मैराथन बैठक, इसके बाद भी कई मुद्दों पर बात नहीं बन पाई और किसानों ने अपना प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान कर दिया है। वहीं दिल्ली की कूच को देखते हुए दिल्ली की सभी बॉर्डर्स पर सुरक्षा व्यवस्था चौकस कर दी गई है। दिल्ली बॉर्डर्स को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। अब ऐसे में बहुत सारी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि ऑफिस का वक्त रहता है 10 बजे का वक्त। किसानों ने जब इस आंदोलन के लिए दिल्ली कूच करने की तैयारी की है, 5 घंटों तक ये बैठक चली। चंडीगढ़ में ये मैराथन बैठक हुई जिसमें दो केंद्रीय मंत्री मौजूद थे, लेकिन इस बैठक के बाद भी किसी तरह का कोई नतीजा नहीं निकल पाया। किसानों का कहना है कि सरकार हमारी जो समस्याएं हैं, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारी जो मांगे हैं, उनको लेकर सीरियस नहीं है। हालांकि अर्जुन मुंडा को अभी हमने सुना, उनका साफ ये कहना था कि बातचीत के जरिए ही समाधान निकलेगा। और हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बारी बारी से जरा हम उनके पास जाएंगे और समझेंगे कि किस तरह से जो बॉर्डर्स हैं वहां क्या क्या तैयारियां करके रखी गई हैं। सबसे पहले मैं प्रियंका का रुख करना चाहूंगा। प्रियंका, आप कहां इस वक्त मौजूद हैं और क्या बता पाएंगी, किस तरह की तैयारियां, सुरक्षा बंदोबस्त कैसे किए गए? देखिए, मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रही हूँ दिल्ली हरियाणा के टीकरी बॉर्डर से। ये पहले आपको तस्वीर दिख रही है जहां पर बैरिकेड के ऊपर कंटीली तारे लगाई गई हैं। इसके अगले लेवल की बैरिकेडिंग आपको दिख रही है जहां पर जो ट्रोली होती है उससे पूरे रास्ते को ब्लॉक किया गया है। अब तीसरी तस्वीर आप देखेंगे, जो बड़े बड़े कंटेनर हैं उनमें मिट्टी पत्थर भर के उन्हें क्लोज किया जा रहा है। तो यहाँ पर फिलहाल इस बड़े कंटेनर में, जिनकी हाइट को आप देख रहे हैं कितने ऊंचे ये हैं, इनमें मिट्टी भरने का काम किया जा रहा है और फिर दोबारा से ये बैरिकेड्स लगे हुए हैं जिनके ऊपर कांटे हैं और उसके बाद सीमेंट की बैरिकेडिंग। ये देखिए आप, छोटे सीमेंट की बैरिकेडिंग है और ये मेरी हाइट से भी ऊंचे सीमेंट के बैरिकेड यहाँ पर लगाए गए हैं। बड़े बड़े सीमेंट क्यूब हैं, लेकिन एक खास तस्वीर पंकज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि पिछली बार जो यहाँ पर पूरा किसान आंदोलन हुआ था, तो क्योंकि हम बहादुरगढ़ झज्जर के पूरे इलाके में हैं जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ी हूँ, ये हरियाणा मैं एंटर कर चुकी हूँ,
तो ये तस्वीर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ लोगों ने किस तरीके के पोस्टर्स लगाए हैं। बेहद अहम है ये पोस्टर्स, कह रहे हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ बहादुरगढ़ इंडस्ट्रीज की तरफ से लगाया गया है, जिसमें इनका कहना है कि बहादुरगढ़ के उद्योगों और कर्मचारियों की तरफ से किसान भाइयों को विनम्र प्रार्थना, हमारे परिवारों के लिए हमारा रोजगार चलने दे। ये इस पूरे बॉर्डर की कहानी जो है ये बताता है, क्योंकि यहाँ से पूरी इंडस्ट्री शुरू हो जाती है और जैसे ही किसानों के आने की बात यहाँ पर हुई है तो ये दो लेन का रास्ता ऑलरेडी एक लेन हो गया है, क्योंकि पूरी तैयारियां पुलिस ने यहाँ पर की है, सारे सामान को यहाँ पर लगा दिया गया है। और ये बिल्कुल, तो टीकरी बॉर्डर पर किस तरह के सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं वो तस्वीरें हमें दिखा रही थी प्रियंका कांडपाल, हमारी सहयोगी। जरा जावेद का मैं रुख करना चाहूंगा। जावेद कल आप सिंगू बॉर्डर पर थे और आप ये बता रहे थे कि जो नेशनल हाईवे है जो चंडीगढ़ से दिल्ली को जोड़ता है वो भी प्रभावित हो सकता है। आज आप कहां हैं, क्या तस्वीरें दिखा पाएंगे, किस तरह की तैयारियां की गई हैं प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से? देखिए, हमारी मौजूदगी पंकज सिंगू बॉर्डर पर ही है और सबसे पहले मैं आपको ये तस्वीर दिखाना चाहता हूँ किस तरह से जो हाईवे की दोनों साइड की लेन है उनको पूरी तरह से ब्लॉक किया गया है और यहाँ पर बैरिकेड्स के ऊपर कटीली तार लगाई जा रही है। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। और इधर जरा अर्धसैनिक बलों की तैनाती और उनकी संख्या भी देख लीजिए, कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर अर्धसैनिक बल तैनात हैं। इसके अलावा कंटेनर्स लगाए गए हैं, लेकिन आज जो तैयारियाँ हमें दिख रही हैं वो कल के मुकाबले और ज़्यादा हैं। आज हमें यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स भी यहाँ पर नजर आ रही है। जय किशन, थोड़ा अब हम इस तरफ से तस्वीर दिखाएंगे कि यहाँ क्या स्थिति बन रही है। देखिए, दंगा नियंत्रण वाहन यहाँ अभी अभी आकर लगाया गया है और ये जो पूरी सड़क है, दरअसल जो दोनों साइड की लेन है वो तो बंद की गई है, लेकिन जो मेन हाईवे है फ्लाईओवर का उस पर भी एक लेन ही चल रहा है। यहाँ अब दंगा नियंत्रण वाहन की तैनाती हो गई है, आरएफ की तैनाती हो गई है और इस पूरे रोड पर अगर आप देखेंगे जो बिल्कुल पॉइंट है दिल्ली और हरियाणा को जोड़ने वाला, वहाँ भारी सुरक्षा बल तैनात है। पूरे इलाके में आपको बैरिकेड्स नजर आएंगे और देखिए बिल्कुल शुरुआत में आरएएफ की तैनाती किस तरह से वहाँ पर तैनाती अब बढ़ाई जा रही है और ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा रहा है। देखिए, ये समझिए कि जब लोग आएंगे जाएंगे तो उनको बहुत बड़ी परेशानी होने वाली है जो दिल्ली हरियाणा के बीच में ट्रैवल करते हैं, क्योंकि अभी सिर्फ ये एक लेन चालू है और अगर स्थिति और ख़राब होती है तो ये पूरा रोड ब्लॉक कर दिया जाएगा और मतलब आप समझिए कि दिल्ली हरियाणा का ये हाईवे बिल्कुल बंद हो जाएगा। ये एक लेन चल रही है और दो लेन पर ये इसी तरीके बिल्कुल से तो अभी तो शुरुआत है, लेकिन जैसा कि हमारे सहयोगी जावेद बता रहे हैं कि दिन चढ़ेगा, 10 बजे का वक्त किसानों ने तय किया है जब वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, तो अभी कुछ लेन्स खोल कर रखी गई हैं लेकिन ये सब लेन्स बंद कर दी जाएंगी। किस तरह से जो बैरिकेडिंग है उनके कंटीले तार बिछा दिए गए, पूरी तैयारियां की गई हैं। लवीना हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही है। लवीना, अगर देखा जाए तो 200 किसान संगठन शामिल हो रहे हैं इस आंदोलन में जो किसानों की तरफ से रखा गया है, तो ऐसे में अब चूंकि दफ्तर जाने का वक्त होगा, स्कूल जो है वहां, हालांकि स्कूलों में तो ज्यादातर ऑनलाइन कर दिया गया है, लेकिन काफी दिक्कत होने वाली है। बिल्कुल पंकज, आपका जो सवाल है उसको जवाब के तौर पर मैं तस्वीरें सबसे पहले दिखा दूंगी, क्योंकि आप देखिए जहां पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है पंकज, ये वही रास्ता है जो दिल्ली के लिए जोड़ता है। आप तस्वीर देखेंगे, आपको आगे लिखा हुआ भी दिखाई देगा, दिल्ली की तरफ यही रास्ता जाता है। अब इसके दो पहलू हैं जो समझने होंगे। पहला ये कि जब ये कंटीले तार यहाँ पर लगा दिए गए हैं, कई लेयर की बैरिकेडिंग मुझे यहीं से दिखाई दे रही है, तो पहली बात तो ये है कि किसान अगर ये कह रहे हैं कि वो दिल्ली कूच करेंगे तो फिर आखिर कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो पुख्ता बंदोबस्त है, और आप ये यकीन मानिए कि ये सिर्फ किसानों को रोक देने के लिए नहीं है, बल्कि वो इसीलिए भी है क्योंकि हमने कई मर्तबा देखा है अगर किसी भी रूप में यहाँ पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाती है। और दूसरा पहलू पंकज इसका ये है, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि यहाँ पर जो ये रास्ता बंद कर दिया गया है, तो अब जो आम व्यक्ति है उसके निकलने के लिए जो पीक कार होता है ऑफिस का, वो 10 बजे 9 बजे का ही समय होता है, तो फिर वो अगर यहाँ से जाना चाहेगा तो 50 मीटर या 100 मीटर की अगर दूरी है तो उसे कई किलोमीटर लंबा रास्ता लेकर जाना होगा। एक ऊपर फ्लाईओवर की तस्वीर भी जरा मैं विशाल को कहूंगी कि दिखा दे। यहाँ पर भी पंकज अब से थोड़ी देर के बाद चूंकि ट्रैफिक बढ़ना शुरू हो गया है, क्योंकि अब यही रास्ता रह जाता है, और ये भी आम लोगों के लिए जो यहाँ से दिल्ली जाना चाहते हैं, तो अब आप सोचिए कि जब सारे लोग एक तरफ चले जाएंगे तो ये बहुत लाजमी है कि ट्रैफिक बढ़ जाएगा। अब ऐसे में लोगों की समस्या बढ़ जाएगी। और पंकज, मैं एक बार फिर से आपको कई मर्तबा की अपनी रिपोर्टिंग के इसी जगह से अनुभव के आधार पर बता देती हूं कि जब भी हमने यहां पर जमावड़ा देखा है किसानों का या कोई भी ऐसी तस्वीर देखी है, तो सबसे ज्यादा जो लोग सफर करते हैं वो आम व्यक्ति ही होते हैं। बिल्कुल, आम जनता सबसे ज्यादा सफर करती है। हालांकि किसान ये हमेशा कहते हैं
कि हमारी वजह से किसी को दिक्कत ना हो, हमारी मंशा ये नहीं, हम सिर्फ चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगे माने और हम शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन करेंगे, लेकिन लोगों को दिक्कत होती है, आम लोगों को दिक्कत होती है, ऑफिस गोअर्स हैं, सबसे ज्यादा परेशानी उन्हें भी होती है। चप्पे चप्पे पर मेरे सहयोगी तैनात हैं, हमें बता रहे कि किस तरह के हालात अभी बने हुए हैं, कैसे सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं, कैसे इंतजाम सरकार और प्रशासन की तरफ से किए गए हैं इस आंदोलन से निपटने के लिए। रीमा प्रसाद मेरी सहयोगी, रीमा आप कहां हैं इस वक्त और क्या बता पाएंगी, क्या तस्वीरें देख पा रही हैं? मैं पंकज जो सिंघू बॉर्डर पे हूँ, जो साल 2021 में किसान आंदोलन के लिए सेंटर पॉइंट बना हुआ था, और आज की तारीख में उसी घटना को याद करते हुए, उसी किसान आंदोलन को याद करते हुए पुलिस ने जो तैयारियां कर रखी है, वैसे तो हर बॉर्डर पे चौकसी है, लेकिन सिंघू बॉर्डर आते आते तस्वीरें बिल्कुल बदल जाती है। और यहाँ की तस्वीरें मैं दिखाऊंगी, लोगों से ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती, लोगों से ज्यादा रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती, और ये सब इसलिए क्योंकि दोहरी चुनौती है दिल्ली पुलिस के सामने, उस दिल्ली पुलिस के सामने जिसका पूरा तकरीबन एक साल का, साल 2020 नवंबर से लेकर 2021 दिसंबर तक का जो अनुभव रहा है किसान आंदोलन का, उसमें सबसे ज्यादा किसी को दिक्कतें आई तो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इन जगहों पे रहने वाले आम लोगों की, जिनका वास्ता और जिनके रूट्स यही है। मैं जरा अपने दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ से आने जाने वाले लोग, जो सुबह सुबह मजदूर आ रहे हैं और जा रहे हैं, उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, दिल्ली पुलिस की चौकसी है, लेकिन एहतियातन कदम ये भी उठाया गया है कि सब जगह पे बैरिकेड कर दिया जाए, उपद्रवी तत्व ना पहुंचे, क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि आंदोलन की आड़ में कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं जिनसे परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इन तमाम घटनाओं को भांपते हुए पुलिस ने उस तरीके की तैयारियां की है। हाँ, ये सच है कि किसानों की जो मांगे हैं वो वाजिब है, उनका यह हक है, यह उनका अधिकार है, और पहली दफा ऐसा है कि सरकार उनसे बातचीत कर रही है। आंदोलन शुरू होने से पहले सरकार कई सारी शर्तें मान चुकी है, लेकिन दो ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे अभी सहमति नहीं। बिल्कुल, तो अभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन ऐसे में स्थिति जो है वो हाथ से ना निकले, उसके भी इंतजाम कर दिए गए हैं, कोई भी असामाजिक तत्व इस तरह के आंदोलन में शामिल ना हो, उनसे कैसा निपटा जाएगा उसकी भी तैयारी कर ली गई। मानव मेरे एक और सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मानव, आप गाजीपुर बॉर्डर में, ये वो बॉर्डर है जो गाजियाबाद से दिल्ली को जोड़ता है और सबसे ज्यादा ट्रैफिक इस पर रहता है, आप कैसी तैयारियां देख पा रहे हैं? पंकज, देखिए आपको वो दौर याद करना होगा जब इस हाईवे पर काफ़ी जाम लगता था, उसके बाद 8 से 10 लेन का ये हाईवे बना दिया गया, लेकिन हालात इसलिए नहीं सुधरे क्योंकि यहाँ पर लगातार प्रदर्शन होते हैं और 3 साल से हम लगातार ये देख रहे हैं। सीधा अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाते हैं और समझिए, ये वो तस्वीरें हैं जो उन लोगों को डराती है, क्योंकि सुबह 8 बजे के बाद यूपी से लोग दिल्ली के लिए कूच करते हैं अपने दफ्तरों के लिए, और बच्चे जो है अपने स्कूल जाने के लिए। अब तकरीबन 6:30 बजे के बाद से हम ऐसी तस्वीरें देख रहे हैं, 2 से 3 किलोमीटर लंबा जाम मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, क्योंकि मजबूरन पुलिस को यहाँ पर किसान आंदोलन के चलते पहले से एहतियात बरतते हुए लंबे बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए गए हैं। और जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, ये दो बड़े बड़े डंपर्स हैं जिनके भीतर मिट्टी भरी गई है, और ज़रूरत पड़ने पर इनको सड़क जाम करने के लिए पुलिस इस्तेमाल करेगी, जिस तरीके से जो प्रदर्शनकारी किसान है वो दिल्ली ना कूच कर पाए। तो ये वो तस्वीरें हैं जो गाजीपुर को कहीं ना कहीं, अब देखिए सीधा तस्वीर देखिए, यहाँ पर एक बड़ी बात यह है कि इस बार दिल्ली पुलिस थोड़ा हाईटेक तरीके से काम कर रही है। जो दिल्ली पुलिस के पुराने वाहन हैं जो कबाड़ में पड़े हुए थे, उनको यहाँ पर रखा गया जिससे कि सड़कें जाम करी जा सके। आप ये देखिए, पुरानी बस को यहाँ पर क्रेन खींच कर ले जा रही है, और ये वो रास्ता है जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस है जिसे हम कहते हैं पंकज, तो ये पूरा रास्ता ब्लॉक किया जा रहा है। अब आप देखिए, जब ट्रैक्टर सड़क पर दौड़ेंगे तो उनको आगे ना बढ़ने दिया जाए, इसके लिए बाकायदा यहाँ पर एक तरीके से टायर बस्टर्स यहाँ पर रखे गए हैं और इनको सड़क पर बिछाया जाएगा। नुकीली कीले हैं एक तरीके से जो वेल्डिंग करके जोड़ी गई है लोहे की शीट पर, तो इससे टायरों को पंचर करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो पुलिस भी हाईटेक तरीके से काम कर रही है, और आप आगे की तरफ देखेंगे तो दिल्ली से जो मेरठ की तरफ जाने वाला रास्ता है वो भी पूरा बंद हो गया है, यानी सबसे ज्यादा परेशानी अगर किसी को हो रही है। तो पिछली बार जिस तरह से किसानों का आंदोलन हुआ था उसमें जो कमियां रह गई थी उन्हें कैसे पूरा किया जाए, उसके भी बंदोबस्त पुलिस के द्वारा किए गए हैं। एक बार फिर से रुख करेंगे जावेद का। जावेद, आप दिखा रहे थे कई लेयर की जो है वो बंदोबस्त किए गए हैं, सुरक्षा तैयारियां की गई हैं, अब जैसे जैसे वक्त 10 बजते जाएंगे तो और तैयारियां जो है पुख्ता कर ली जाएंगी, क्या कुछ और तस्वीरें आप दिखा पाएंगे? देखिए, किसान आंदोलन का ये गवाह रहा है सिंघू बॉर्डर, और अब यहाँ पर उसी तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि एक साल का प्रदर्शन किसानों का देखा इस सिंघू बॉर्डर ने, और आप यहाँ पर देखिए किस तरीके से आरएएफ की तैनाती यहाँ पर मौजूद है, आरएएफ की महिला टुकड़ी भी यहाँ पर है, और आप तस्वीरों में देखेंगे कितनी बड़ी संख्या में आरएएफ की यहाँ पर तैनाती की गई है।
ये वो बॉर्डर है जो कि हरियाणा पंजाब से आने वाले किसानों के लिए सबसे मुख्य रास्ता है, क्योंकि यहीं पर ही कई बार जब पहले प्रोटेस्ट हुए थे तो टकराव हुआ था। तो बड़ी संख्या में आप देखिए, ये रोड के एक तरफ आरएएफ की तैनाती है, ये दूसरी तरफ की अब मैं तस्वीर दिखाता हूँ, तो दूसरी तरफ भी आप देखेंगे तो आरएएफ की बड़ी संख्या में तैनाती आपको नजर आएगी। लेकिन ये सड़क अभी आप चल रही है, इस पर ट्रैफिक स्लो हो गया है क्योंकि एक लेन इस पर चल रही है। आप समझ सकते हैं कि अब आने वाले समय में इस पर कितनी मुश्किलें होने वाली हैं, क्योंकि जब किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे तो इस रोड को पूरी तरह से ब्लॉक भी करना पड़ सकता है, बंद भी करना पड़ सकता है। तो तैयारियां पूरी हैं क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े बैरिकेड्स पहले से ही रखे हैं, क्योंकि अगर वो जब आएंगे यहाँ पर तो उनको पूरी तरह से बंद। बिल्कुल, तो किसानों ने आह्वान कर दिया है, 10 बजे का वक्त है जब दिल्ली चलो। ये तैयारियां किसानों की तरफ से की गई है कि दिल्ली पहुंचना है, बैठक 5 घंटे चली, वो बेनतीजा रही। उनका कहना है कि सरकार सीरियस नहीं है, दूसरी तरफ सरकार ने कहा है ज्यादातर मांगे मान ली गई हैं और बैठक से ही नतीजा निकल सकता है, समाधान सॉल्यूशन निकल सकता है। तो किस तरह की तैयारियां की गई हैं वो हमारे सहयोगी बता रहे थे। फिलहाल जावेद आपका, रीमा, प्रियंका, लवीना और मानव, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वापस आपके साथ जुड़ेंगे जब कुछ और अपडेट आपके पास होगा। एक छोटा सा ब्रेक यहां ले रहे हैं, फौरन वापस हाजिर हैं।